हेलो नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम पे वीडियो व्यूज, स्टोरी व्यूज और पोल्स को बगैर कहीं लॉगिन करें, यानी आपको कहीं भी फेक अकाउंट की जरूरत नहीं है, कहीं भी लॉगिन नहीं करना, और ये सारी चीज़ें आप लोग बिना लॉगिन बगैर किसी फेक अकाउंट के कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो देखो, आप लोगों को वीडियो व्यूज तो पता ही है, स्टोरी व्यूज भी पता है, जिन लोगों को पोल्स नहीं पता मैं आप लोगों को वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोल्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने डीपी बैटल के पेज वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि ए या बी टाइप के पोल्स होते हैं, तो आप डीपी बैटल स्ट्रिक के जरिए जीत सकते हैं, या फिर आप लोग अपने इंस्टाग्राम के पोल्स में डालते हैं यस और नो। तो अगर आप लोग चाहते हैं यस को इंक्रीज करना तो पोल्स में यस को इंक्रीज कर सकते हैं, नो को इंक्रीज करना चाहते हैं तो नो को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इंस्टाग्राम के वीडियो व्यूज और इंस्टाग्राम के स्टोरी व्यूज आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग बगैर कहीं लॉग इन करें, बगैर किसी फेक अकाउंट के आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इस वीडियो के बाद जरूर जाके फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम है मनीष फॉर यू, ठीक है। तो वीडियो के बाद जाना और फॉलो कर लेना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक है मैं ओनली 3000 लाइक्स कर दो, और जैसी कंप्लीट होगी फिर और ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आने वाली हैं। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी व्यूज, वीडियो व्यूज एंड पोल्स व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी पोल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम में आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं अपने फेक अकाउंट पर करने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं अपने रियल अकाउंट पर पोल्स व्यूज ये सब इंक्रीज करूँगा और मैं जैसे ही स्टोरी डालूंगा ऑलरेडी उसमें व्यूज वगैरह आ जाएंगे, तो समझ नहीं आएगा हमने बढ़ाए कौन से और आए कौन से। तो इसलिए सारी चीज़ें हम लोग इस पर करने वाले हैं। वैसे मैं आपको मेरा रियल अकाउंट बता देता हूँ, यहाँ से मैं सर्च करता हूँ मेरे रियल अकाउंट को, ये रहा मेरा रियल अकाउंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये रियल अकाउंट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं करा तो वीडियो के बाद जाके फॉलो जरूर कर लेना। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक स्टोरी डालनी होगी और एक वीडियो अपलोड करनी होगी, तो फटाफट यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, फीड पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक वीडियो अपलोड कर देते हैं बिल्कुल स्मॉल सी, और ये वाली वीडियो को हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ राइट पे टिक कर देता हूँ तो वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। जब तक वीडियो अपलोड हो रही है हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्टोरी लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए वीडियो अपलोड हो चुकी है और हम लोग एक स्टोरी लगा देते हैं यहाँ पे। तो स्टोरी में हम लोग कुछ भी यस और नो लगा देते हैं, स्टोरी में एक काम करते हैं कोई भी फोटो अपलोड करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई सा भी फोटो, एक ये वाला ही फोटो सिलेक्ट करते हैं, इस पर सिंपली यस और नो का एक पोल लगा देते हैं। ये पोल है और इस पर यस और नो हम लोग लगा देते हैं, ये यस और नो लग गया है, और यहाँ पे हमारी स्टोरी भी एक डल जाएगी जिसपे हम लोग स्टोरी व्यूज भी बढ़ा लेंगे और पोल्स भी आ गया इसमें, तो पोल्स भी इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टोरी भी डल गई, ठीक है। ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमारी वीडियो देख लेते हैं हम लोग डली की नहीं हमारी वीडियो। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में, और यहाँ पे लोडिंग हो रही है, तो मतलब वीडियो तो डल गई है, जब तक स्टोरी डल रही है तब तक हम लोग जानते हैं आगे का प्रोसेस। तो गाइज, हम लोगों को आगे ये करना है कि हम लोगों को एक ब्राउज़र में आना है, किसी भी ब्राउज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको ब्राउज़र पसंद हो। तो मैं क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है igtools.net, ठीक है। इसको लिखना हम लोगों को igtools.net, हम लोग लिख के यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, और सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम लोगों को सबसे पहले लैंग्वेज को चेंज करना होगा जब तक ये पूरा लोडिंग हो गया है। अब हम लोग यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश में समझ आ जाता है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो टर्की लैंग्वेज में था, अब इंग्लिश में हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों को एक ऑप्शन मिलता है पोल्स का, वीडियो व्यूज का, स्टोरी व्यूज का। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीज करते हैं यहाँ पे स्टोरी यूज, ठीक है। तो गो पे क्लिक करेंगे, अब गो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कैप्चा क्लियर करना होगा, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो कैप्चा भी आ सकता है, ऑटोमेटिक भी यहाँ पे हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कैप्चा आ चुका है, तो हम लोग क्लियर करते हैं कैप्चा को। बाइसिकल की बात आ रही तो बाइसिकल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बाइसिकल आ रही है, और फिर बाइसिकल यहाँ पे है, मतलब ऐसे कैप्चा में आपको कुछ भी आ सकता है, तो मेरे हिसाब से बाइसिकल शो नहीं हो रही, वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो कैप्चा क्लियर हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चा हो गया। सबसे पहले हम लोगों को यूज़र नेम लिखना होगा, तो हम लोग यूज़र नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, आते हैं अपनी प्रोफाइल में फेक अकाउंट की, और इसमें हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। आप लोग इस तरीके से ना अपने रियल अकाउंट पे भी बढ़ा सकते हैं, आपको जिस पे भी ये चीज़ें बढ़ानी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेबसाइट में आते हैं और पेस्ट कर देंगे यूज़र नेम और सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये बता रहा है प्राइवेट अकाउंट है, तो मेक श्योर यहाँ पे ये चीज़ अच्छा हुआ, ऐसी चीज़ हो गई। मैं आप लोगों को बता दूँ, आपका अकाउंट पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, प्राइवेट अकाउंट पे ये सारी चीज़ें इंक्रीज नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको पब्लिक कर देते हैं प्राइवेट से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में चलेंगे, और यहाँ से आ जाएंगे अपन प्राइवेसी में, उसको पब्लिक अकाउंट कर देते हैं, स्विच टू पब्लिक, ठीक है।
अब ये पब्लिक हो गया। अब फिर से यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक स्टोरी आ जाएगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टोरी डाली हुई थी। अब हम लोग यहाँ पे मिनिमम 10 से लेकर 100 तक बढ़ा सकते हैं एक बार में, तो 100 पे क्लिक करते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी व्यूज जाना स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे स्टोरी व्यूज जा रहे हैं, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, मतलब ये सर्कल जो घूम रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो 100 स्टोरी व्यूज डिलीवर हो चुके हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार स्टोरी व्यूज आके। तो यहाँ पे प्रोफाइल वाले में आते हैं और यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तो 75 स्टोरी व्यूज आ गए, मतलब 100 सेंड करे थे 75 हम लोगों को मिल गए, बट 75 भी मिले, ठीक है ठीक है। अब हम लोग पोल्स को इंक्रीज करेंगे इसके बाद, तो पोल्स के लिए हम लोग वापस से बैक करेंगे और वेबसाइट में ही आ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पोल्स के ऑप्शन पे गो पे क्लिक करते हैं। अब पोल्स में भी हम लोगों को यूजर नेम डालना होगा, तो पोल्स पे यूजर नेम डाल देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, हमारी यहाँ पे पोल आ जाएगा, तो पोल पे क्लिक कर देते हैं ये स्टोरी पे। अब हम लोगों को यस पे इंक्रीज करना है नो पे, जैसे हमने यस और नो वहाँ पे डाला हुआ था, तो हम लोग यस पे इंक्रीज करेंगे 100 पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 100 इंटर करते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबमिट यहाँ पे पोल्स में यस जाना स्टार्ट हो गया, मतलब लोग यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 100 सेंड हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहले क्लिक करते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यस पे 100 सेंड हो चुके हैं, 100 लोगों ने यस पे क्लिक कर दिया। तो देखिए पोल्स तो इंक्रीज हो गए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अब हम लोग वीडियो व्यूज़ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अभी एक वीडियो व्यूज़ है, तो हम लोग सबसे पहले कॉपी लिंक किसका करेंगे, कॉपी लिंक करना पड़ेगा वीडियो व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो हम लोग वापस से बैक पे चलते हैं और वीडियो व्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे वीडियो व्यूज़ उसके नीचे है, तो गो पे क्लिक करेंगे वीडियो व्यूज़ के और यहाँ पे हम लोगों को लिंक इंटर करना पड़ेगा। तो लिंक में यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो हम लोगों को नीचे शो होने लग जाएगी, ये देखिए वीडियो आ गई। अब हम लोग इसमें एक बार में 30 वीडियो व्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो वीडियो व्यूज़ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जैसे ये सेंड हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़े टाइम बाद ये मिलेंगे। जैसे आपने अभी इंक्रीज़ कर लिया ना, अब आप थोड़ी देर बाद, जैसे 1-2 घंटे बाद वापस से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लगातार आप लोग इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी आए हैं या नहीं। उधर से तो सबमिट हो गए, इधर अभी आए या नहीं, तो रिफ्रेश करते हैं। अभी तो नहीं आए, मतलब तो देखते हैं कितनी देर में आएंगे। तो इधर से जो वीडियो व्यूज़ है सेंड हो गए हैं, बट इधर अभी नहीं आए, हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वीडियो व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं, ये देख सकते हैं 12 वीडियो व्यूज़ हो गए हैं। तो ऐसे कर करके आपको ना थोड़ी देर में सारे 30 की 30 मिल जाएंगे स्टोरी व्यूज़। और जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वेबसाइट पे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने अभी इंक्रीज़ कर लिया ना, तो आपको 1-2 घंटे का वेट करना है। 1-2 घंटे का वेट करने के बाद फिर से आप लोग इंक्रीज़ कर पाएंगे, या फिर थोड़ा टाइम भी लग सकता है। एग्जैक्ट टाइम इसका फिक्स नहीं होता कितनी देर बाद आप वापस इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि 24 आवर्स बाद अगर आप लोग चेक करेंगे ना, तो आपके 100% वापस से ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो आप लोग टेस्ट कर सकते हैं बार बार इसको, बट लगातार एक बार में नहीं करना, वरना इंक्रीज नहीं होंगे। तो इस तरीके से ना आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी व्यूज, वीडियो व्यूज और पोल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इंस्टाग्राम पे कैसे बगैर कहीं लॉग इन करें, बगैर किसी फेक अकाउंट के, इंस्टाग्राम पे पोल्स, इंस्टाग्राम पे स्टोरी व्यूज, इंस्टाग्राम पे वीडियो व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आप लोग फ्यूचर में ऐसी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।